हाय फ्रेंड्स, हमारी फ़्लाइट कोलकाता के रनवे पे आ चुकी है और इसकी स्पीड बढ़ रही है। टेक ऑफ के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सो फ्रेंड्स, टेक ऑफ बहुत ही स्मूथ रहा। मुझे नहीं पता पायलट के कारण या फिर 11th नंबर सीट रो के कारण बहुत ही आराम रहा। कोलकाता से हम टेक ऑफ ले चुके हैं और आपको फ्लाइट जर्नी में हम दिखाएंगे सनराइज, सूर्योदय और फ्लाइट के कुछ पार्ट्स, जैसे धुआं कहाँ से निकल रहा होता है वो मैं वीडियो में कैप्चर किया हूँ। तो हैदराबाद होते हुए बैंगलोर जाना है, तब तक के लिए आप जर्नी में बने रहें। लगभग 6 बज रहा है, क्षितिज कुछ ऐसा दिख रहा है सूर्योदय के पहले ऊपर से। फिलहाल फ्लाइट हमारी 10 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ से सूर्य काफ़ी चमकदार दिख रहा है। यही अगर आप पृथ्वी से देखोगे तो आपको ये इतना चमकदार नहीं दिखाई देगा। तो गाइज, फाइनली हमारी फ्लाइट हैदराबाद पहुँच रही है। यहाँ पे 2 घंटे रुकने के बाद यहाँ से फिर फ्लाइट हम लेंगे बेंगलोर की, और वो फ्लाइट जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगी आपको। तो हैदराबाद में लगभग 2 सालों बाद आ रहा हूँ, 3 सालों के बाद, और यहाँ भी नौकरी किया हूँ, हैदराबाद टू विजयवाड़ा, और आंध्रा भी मुझे बहुत पसंद है। तो हैदराबाद की एयरपोर्ट आ चुके हैं, नीचे आप देख सकते हो रनवे है, एक एरोप्लेन वेट कर रही है टेक ऑफ के लिए। और हमारी एरोप्लेन जब टच करेगी तो आप देखना, ये ब्लू कलर के इंजन का एक शटर खुलेगा, वो स्लो करने के लिए होता है। तो ये लैंड करें हम, और शटर देखो नीचे खुल गया। बाएं तरफ आप देख सकते हो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है। पूरा लंबा सा बिल्डिंग दिख रहा है आपको, और यहाँ हम अब 2 घंटे रुकेंगे और अब आप वीडियो में हमें देखोगे बैंगलोर जाते हुए। वो हमारी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और अब हैदराबाद से बेंगलोर की तरफ हम चल रहे हैं। हमारी फ़्लाइट रनवे की तरफ बढ़ रही है। ये देखो रनवे पहुंच रहा है, और रनवे में जाते के साथ ये टेक ऑफ के लिए बढ़ेगी। ये देखो हमारी एरोप्लेन रनवे में चढ़ी और ये तुरंत अब टेक ऑफ करेगी, और हम फिर बात करते हैं टेक ऑफ के बाद। हैदराबाद से टेक ऑफ हम कर लिए हैं और ये बैंगलोर जाने के रास्ते में हम बड़े अच्छे अच्छे वीडियो कैप्चर किए हैं, तो आप बने रहें वीडियो में। हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा धुंध था, तो उतरने के टाइम भी मुझे नहीं दिख रहा था अच्छे से शहर, और अभी टेक ऑफ लिए हैं तो भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। बैंगलोर वैसे बहुत आपको क्लियर दिखेगा, तो आप बैंगलोर तक की जर्नी को इन्जॉय करें। आपको इस वाले ब्लू इंजन से कहाँ धुआं निकलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, बने रहें। Arrival in another 25 minutes.
as of now, Tanjore is not reporting any significant weather, and we're not expecting too much of traffic congestion. Bangalore is reporting temperature of about 25 degrees Celsius, visibility about 10 kilometers. Wishing you a pleasant and safe trip to Bangalore. Thank you, Indigo. Cabin crew, great. Thank you. तो अभी अभी आपने सुना हमारी लेडी पायलट का अनाउंसमेंट बैंगलोर पहुंचने को, और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे एयरप्लेन का छाया बन रहा है इस इंजन पे। क्या आप देख पा रहे हो? आप खिड़की देख पा रहे होंगे, सब छाया बन रहा है। क्या आप देख पा रहे हो नो ग्रैब जहां लिखा है वहां से धुआं निकल रहा है? तो वो जो फिन बना हुआ है वहां से धुआं निकल रहा है, ये वाइट कलर का, और ऊपर विंग के ऊपर से जा रहा है। तो ऐसे ही धुआं आप नीचे से देखते हो। हमारी फ्लाइट अब बैंगलोर पहुंच रही है। अभी भी आप देख सकते हो नो ग्रैब के पास से धुआं निकल रहा है बीच बीच में। क्या आप नो ग्रैब देख सकते हो इस इंजन के ऊपर? नो ग्रैब जो लिखा हुआ है, देखो वहां से धुआं निकल रहा है, वाइट आप देख सक रहे हो। तो यही धुआं आप नीचे से देखते हो। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये नो ग्रैब, ये देखो नो ग्रैब के पास से आ रही है धुआं, देख पा रहे हो? देखो अब जूम करके दिखा रहा हूं, यहां से धुआं आ रही है। तो यही धुआं, वाइट वाली धुआं आ रही है इंजन से। नीचे आप देख सकते हो गार्डन सिटी बैंगलोर हम पहुंच गए हैं, देवन हल्ली। ये नीचे टाउनशिप आप देख रहे हो, फिर से बस रहा है बैंगलोर के शहर से 35 किलोमीटर दूर, फिर से शहर बस रहा है। और देवन हल्ली बहुत ही पॉपुलर जगह है, बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, और भी बताऊंगा मैं, पहले हम लैंडिंग कर लें। बैंगलोर की रोड देख रहे हो नीचे आप, ये रोड हैदराबाद जाती है, और अब एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर हम आ गए हैं। ये जो नीचे आप बाउंड्री देख रहे हो, ये देखो बाउंड्री के अंदर हम आ गए, अब हम एयरपोर्ट के बाउंड्री के अंदर हैं। ये जो मैदान दिख रहा है एयरपोर्ट का मैदान है, और नीचे अब आप रनवे देख सकते हो। नीचे देखो रनवे आ गया। अब ये ब्लू इंजन में आप देखोगे इसमें शटर फिर से खुलेगा लैंड करने पे। तो हम टच डाउन कर लिए, ये देखो नीचे शटर खुल गया। तो हम बैंगलोर एयरपोर्ट के टर्मिनल वन में लैंड कर गए। टर्मिनल वन की पहचान के सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे, वो नंदी हिल है, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। अगर आप ऊटी नहीं जा सकते हो तो नंदी हिल में ही ऊटी का मज़ा ले सकते हो, वहाँ पे बादल पहुँच जाती है। और अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो गाइज वेलकम टू बैंगलोर, मैं बैंगलोर से आपको व्लॉग दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है ये शहर। इस वक्त है हम हाईवे पे, और आप देख सकते हो किस रफ्तार से बैंगलोर चल रहा है। और ये है बैंगलोर की बस जो कि एयरपोर्ट से आ रही है, और ये है इलेक्ट्रिक साइकिल की फौज। तो बिजली से चलती है सब साइकिल यहाँ। और फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर, और मैं आपको डेली दिखाऊंगा व्लॉग्स बैंगलोर की प्रोग्रेस। अब देखोगे मेरे वीडियोस में और बैंगलोर के आसपास साउथ इंडिया में देखोगे। होप आपको मेरा व्लॉग, मेरा जर्नी अच्छा लगा। अब मिलते हैं हर दिन के व्लॉग में, डेली व्लॉग में, मेरे बैंगलोर से।